वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाली थी कि आपको कौन सा वन शॉट एफएफ चाहिए, तो फिर मुझे फंक्शन एफएफ के लिए वन शॉट एफएफ के जिधर आए वोट्स, तो फिर अब मैं फंक्शन एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। और फंक्शन एफएफ का नाम है स्पेंड अ नाइट विद अ स्ट्रेंजर विदाउट नोइंग दैट ही इज द माफिया किंग। फंक्शन एफएफ जिसने हमारा लान वांग जी एक माफिया है, और जो हमारा विंग है वो एक बार्टेंडर ही है, तो उसके साथ नहीं हुई संग और न जो न्यू सॉन्ग और वैन ब्रदर के उसका क्या नाम था वेनिंग सॉरी वेनिंग और न्यू सॉन्ग ये भी काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे डेयरिंग टाइप है। मतलब वो तो ना आपस में हैं कपल, लेकिन ना वो ना विंग को ना काफ़ी टाइम से ना ऐसे तंग करते हैं। और अब हम देखते हैं सीन जहाँ पे जो वांग जी है वो आया हुआ है एक बार में, और इस दफ़ा वो अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बगैर आया हुआ है। वह ऐसी एक लोकल बार में आया हुआ है, और तो ऐसी आया क्योंकि उसको थोड़ा अपने ना माइंड को ना रिलैक्स करना था, जिसकी वजह से वो आया था और ना एक कॉर्नर में बैठ के ड्रिंक कर रहा था, और उसका फेस किसी ने देखा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो अपन आराम से ना मास्क लगाए बगैर बैठा होता है, आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। तो फिर उसको ना विंग एक ड्रिंक सर्व करता है, और फिर ना वांग जी उसकी तरफ देखते हैं, और फिर ना अपना फेस टर्न कर लेता है और वापस अपने ड्रिंक करने लग जाता है। तो फिर ना जो निय सांग और वेनिंग होते हैं इनकी शिफ्ट खत्म हो चुकी होती है, तो ये ना विंग का इंतजार कर रहे थे, और विंग की भी खत्म होने वाली होती है शिफ्ट, तो हाफ एन आवर के बाद जो विंग की शिफ्ट होती है वो भी खत्म हो जाती है। अभी भी वांग जी वहीं होता है और ना विंग को ही देख रहा होता है, तो वो जाते हैं, और फिर जो विंग जाता है वेनिंग और न्यू सांग के पास, वहाँ उनका एक और फ्रेंड भी बैठा होता है शुयांग, और जो शुयांग है वो बहुत ही मतलब डेडीमाइंड टाइप है इस तरह। तो फिर ना वहाँ जाते हैं, और फिर ना वो ना शुयांग के पास भी शुयांग के पास बैठते हैं, और फिर चारों ना आपस में बात करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, तो वो ना वांग जी उनकी तरफ ही देख रहा होता है। तो वो कह रहे जो हुएसांग कहते हैं कि ना हम क्यों ना कुछ फन करें, तो फिर ना वेनिंग कहते क्या, तो फिर ना जो शुयांग होते कहते हैं हम एक काम करते हैं, हम ना वो करते हैं क्या एयर ग्रोथ खेलते हैं। तो फिर ना जो ए होता है विंग कहते हैं ठीक है आई एम इन, मैं ठीक है मैं खेलने के रेडी हूँ, तो फिर कहते हैं सही है। तो फिर ना वो एक बोतल लेते हैं और फिर उसको घुमाते हैं, तो फिर वो देखती है शुयांग पे, तो फिर कहते हैं कि ना डेयर ग्रोथ, कहते हैं मैं ट्रुथ जैसे मेरी लाइफ में कुछ छुपा नहीं हुआ, तो फिर मैं डेयर लूँगा, डेयर ज़्यादा मज़ेदार इंटरेस्टिंग है। तो फिर ना हुएसांग कहते हैं ठीक है, तो जो है विंग की लैप में आके बैठे, तो विंग अपने आईज वाइंड कर लेते हैं हुएसांग, तो फिर कहते क्या हुआ कुछ नहीं होता। तो फिर जो ना वो जो शुयांग होता है वो फिर ना ऐसे करते और ना 10 सेकंड्स के लिए आके बैठता है, 10 सेकंड्स के लिए आके ना विंग की ना लैप पे आके बैठे, और ना वांग जी ना सब कुछ ये देख रहा था, पहले काफ़ी दूर बैठा था तो अब थोड़ा पास आके बैठा था ये के विंग को देखने के लिए, क्योंकि वो विंग को ही नोटिस कर रहा होता है ज़्यादा। तो वो ना उसके बैठते और फिर ना जो वांग जी होते जब वो शुयांग उसकी लैप पे बैठते तो फिर ना उसी को देख रहा होता, तो उसके कोई रिएक्शन नहीं होता, ना ही उसके कोई एक्सप्रेशन होते, बस उसको देख रहा होता है एक्सप्रेशन लेस फेस से। तो ना जैसे 10 सेकंड्स होते हैं तो फिर ना जो विंग ना फौरन शुयांग को हटा देता है, तो फिर ना कहते हैं कि ना क्या हुआ अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, अनकम्फर्टेबल फील नहीं कर रहा मैं, विंग कहते कि ना बट इस तरह कभी कोई बैठा नहीं या फिर किसी ने टच नहीं किया, इसलिए थोड़ा अनईजी फील हो रहा था, कहते ओके ठीक है। तो उसके बाद फिर ना बोटल स्पिन होती है, और फिर ना वह सांग के ऊपर रुकते हैं, तो फिर ना वेनिंग कहते हैं कि ना मेरी लैप में आके बैठो और मुझे किस करो, तो फिर कहते हैं ऑफकोर्स बेबी इस तरह बोलते हैं, और फिर ना वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तो फिर जो विंग होता है फिर ना फेस ना शे में हाइड कर लेते, और फिर ना जो वह सांग जो शुयांग होता है वो उस व्यू को एंजॉय कर रहे थे, कहते हैं बस करो लव बर्ड्स छोड़ दे एक दूसरे को। तो फिर ना वो दोनों ना जो वेनिंग होता है वो ना थोड़ा शाई फील करता है, और फिर कहते हैं वाह टॉप शाई फील करा, वाह मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, यहाँ पे हमारा जो वेनिंग है वो टॉप है और जो है सांग वो ना बॉटम है और वो हंस रहा होता है। तो फिर ना जिससे ना वांग जी को आइडिया हो जाता है कि ये दोनों कपल है। तो उसके बाद फिर बॉटल स्पिन होती है, और फिर ना जो आके रुकती है विंग के ऊपर, और फिर ना वो सारे उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं डेयर या ट्रुथ, कहते हैं डेयर। तो फिर कहते हैं कि ना जो जो शुयांग होता है उसके कान में कुछ कहता है, और फिर ना वो शॉक हो जाता है, और फिर कहते हैं कि ना कुछ नहीं होता। तो फिर ना वो इस तरह बोलते, तो फिर कहते बट तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ये क्या कह रहे हो। तो फिर ना तो शुयांग ना विंग ये नहीं मान रहा होता, और ना विंग होता है वो कहते हैं कि ना विंग हमें पता चल गया तुम एक्चुअली ना सिर्फ डरते, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस तरह कहते हैं, तो फिर ना विंग गुस्सा आ जाते हैं, उसको जान के भड़काते ताकि वो ना मान जाए। तो जो विंग होते कहते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ, कहते हैं अच्छा फिर ठीक है करके देखो।
तो फिर विंग होते हुए कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। तो फिर ना वो, अब हम देखें कि एक्चुअली डेयर क्या था। तो जोशी यहाँ गया था, कहते हैं तुम्हें एक ना नाइट स्पेंड करनी होगी। तो फिर ना विंग उसी तरफ देखे, कहते हैं पूरी बात लो, नाइट स्पेंड नहीं करनी होगी, तुम्हें नाइट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसको बहुत ज़्यादा ड्रंक कर देना और फिर उसके साथ ही ना बस फिर ना वहीं से आ जाना। और तो कहते हैं लेकिन विंग कहते हैं लेकिन किसके साथ, मतलब कि ना आपस में ही बात कर रहे होते हैं। देखते कहते कहना बट तुम्हें करना उसके साथ होता है जिसके साथ तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट होगा। तो फिर विंग कहते हैं कि अगर मेरा किसी के साथ ना हुआ तो फिर कहते कहना बस फिर तुम अपना डेयर जीत गए। तो फिर कहते फाइन। और फिर ना विंग ना अपनी इधर उधर नजरें करते हैं और फिर ना उसके ना वांग जी के साथ आई कॉन्टैक्ट होता है, जिससे थोड़ा घबरा भी जाता है क्योंकि वांग जी का ऑरा बहुत डार्क होता है वो। फिर उसकी तरफ देखते हैं, फिर ना शुयांग का पता चल जाता है। तो शुयांग कहते हैं ना तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट हो गया, तो चलो तो जो इशू यही होता है, कहते हैं चलो ठीक है तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट हो गया उस पर्सन के साथ, अब जाओ उसके पास। तो फिर ना विंग थोड़ा डरता है क्योंकि वांग जी का और बहुत डार्क होता है जैसे मैंने पहले बताया। तो फिर जो विंग होता है उसके पास जाता है और फिर ना ना जो निया सांग और जो वेंडिंग होते हैं वो भी उसके देख रहे होते हैं। जो वो जो विंग होता है वो गहरी सांस छोड़ता है और फिर ना वांग जी के सामने जाके खड़ा होता है और उसकी फ़ौरन लैप पर बैठ जाते हैं, जिसको देख के ना वांग जी कोई एक्सप्रेशन नहीं देखते, लेकिन ना वांग जी की ना विंग की आइज़ में देखने लगता है और विंग भी उसकी आइज़ में ना खो जाता है क्योंकि उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल आइज़ आती है, जैसे हमें पता है हमारी इंसान जगह कितनी खूबसूरत आइज़ है। अच्छा तो विंग वहीं देख रहा होता है। तो फिर ना जो विंग होता है उसको फिर अपने डेयर के बारे में याद आता है। तो फिर ना वो फिर कहते हैं ना हम किसी रूम में चल सकते हैं, इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना वो वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी उसकी तरफ देख रहा होता है और कुछ बोलते नहीं। तो फिर ना वांग जो विंग होता है वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। तो फिर कहते हैं हेलो मिस्टर, मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो फिर जो वांग जी होता है वो उसकी वेस्ट को पकड़ते हैं और कहते हैं ना जब तुम्हें मेरा पता ही नहीं है तो तुम मेरे पास क्यों आए। तो फिर कहते हैं ना हम एक रूम में चल के भी तो बात कर सकते हो, उस तरह बोल रहा होता है। तो फिर कहते हैं आर यू श्योर, इस तरह बोलते। तो फिर ना विंग थोड़ा डरता है और फिर कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। और उसको ना वांग जी को कराते शो कराते हैं कि ना वो ना परफेक्ट है, उसको कोई डर नहीं लग रहा। तो फिर ना वांग जी ने एक्सप्लेन करता है और फिर ना विंग को ना अपने साथ खींच ले जाता है और फिर ना सारे देख रहे थे कि नहीं तो सच में मान गए शुयांग। कहते कि ना तो तुमने तो उसको डेर दिया था, मैंने बस मजाक करा था, मुझे नहीं पता था वो सच में चले जाएगा। तो फिर कहते कि ना अब कहते ना वैसे डेर तो ये नाइट स्पेंड करने का तो नहीं कहा, मैंने उसको कहा कि ना बस उसको सुला के मतलब उसके पास जाए नाइट स्पेंड करने के इरादे से, मतलब उसको ये दिखाया और उसको सुला के वापस आ गया। तो फिर दो जो निया सांग करता है कहते हैं कह रहे हैं बट जितना को पर्सन लग रहा था मुझे तो नहीं लगता कि वो इस तरह का होगा कि सो जाए, उसका तो डार्क और ही इतना ज़्यादा था। तो फिर ना कहते हैं हाँ वैसे मैं भी यही सोचता हूँ। तो फिर कहते हैं कि ना अब क्या होगा। तो जो मैंने कहा था कि ना मुझे विंग के लिए बुरा लग रहा है, तो विंग के लिए बुरा क्यों लग रहा, कहते कि ना कुछ उसको होना चाहिए, कहते कुछ नहीं होता वेंडिंग शुरू यही बोलते, कहते हैं ना हम अपनी ड्रिंक करते हैं कुछ टाइम में आ जाएगा विंग। तो वह कहते हैं ठीक है। और उसके बाद फिर वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं और काफ़ी टाइम गुजर जाता है, लेकिन जो विंग आता होता है वो वहाँ आते ही नहीं है। तो वो जाके पूछते हैं और उनको ऐसा लगता है मतलब वो उसको हर जगह ढूंढते तो कहीं मिलता नहीं है। और फिर ना सारे रूम्स में चेक करते हैं तो एक डोर लॉक होता है। तो फिर वहाँ पे जो एक एम्प्लॉय होता है वहीं बाहर का, तो फिर वो कहते हैं कि ना ये डोर लॉक ही रहता है। तो इस तरह कहते थे क्योंकि उसको पता होता है कि अंदर कौन है। और जो वांग जी होता है उसने कहा होता है अगर किसी ने स्टोर को ओपन किया या डिस्टर्ब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए उस एम्प्लॉय ने उनको कहा ये कहा था कि ना ये डोर लॉक ही रहता है। तो फिर ना जो हिसंग और जो ना वेंडिंग होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि वो इस जगह पे पहले आए नहीं होते, ना ही उनको इस बारे में पता होता है कि यहाँ एक डोर भी है जो हमेशा लॉक रहता है, तो उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो वो भी मान जाते हैं। फिर ना बाकी सारे रूम्स भी चेक करते हैं। फिर ना वो वहाँ उनको विंग नहीं मिलता, तो वो कॉल करते तो फ़ोन बंद जाते। तो फिर वो समझते कि ना जो विंग है वो शायद घर जा चुके, तो वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं सारे। तो अब हम देखते हैं विंग का सीन। जो विंग होता है वो जब हमने फ्लैशबैक देखते हैं कि जो विंग था वो वांग जी को लेके जाता है रूम में, और ना वो ना विंग जैसे ही अंदर जाता है तो फिर ना वांग जी वहाँ के एम्प्लॉय को यही बात बोलते हैं किसी को अंदर ना आने देना, डिस्टर्ब ना करना। तो वो जो और फिर ना वो जो पर्सन होता है एम्प्लॉय होता है तो फिर कहता है ठीक है सर, तो और अगर यहाँ कोई आया तो अपनी गन उसके ना फोरहेड पर रखते हो, कहते हैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, माफिया किंग हूँ मैं। तो ये कहता है तो फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाते कहते हैं कि मैं समझ गया, मैं सब ज़रूर मैं यहीं रहूँगा। तो कहते हैं तो फिर ना ये कह के वो अंदर से मिल जाता। और फिर ना वो जो एम्प्लॉय था वो अपने दिल पर हाथ रखते कहते मुझे तो आज ऐसा लगा था कि मैं भी मरी जाऊँ, शुक्र है मैं बच गया। तो फिर ना उसके बाद फिर उसी तरफ कहते कि ना मुझे यार खड़ा रहना पड़ेगा, अगर कोई चला गया अंदर तो फिर मेरी जान चली जाएगी। ठीक है कि वो फिर ना उसको मेरे लिए थोड़ी दूर से गार्ड करने लगते और उसी टाइम पर फिर जाओ दोनों सॉन्ग
कोई सांग छू या गॉर्डन नहीं हो सांग आते तो करो उनको बता देता है, और फिर अभी भी थोड़ा दूरी होता है और हम देखते हैं वीन के अंदर का सीन जो है वीन होता है वहाँ, वहाँ पे देखते हैं कि ना अल्कोहल पड़ी है, तो फिर ना वो वहाँ जी कहते हैं कि ना हम बैठ के बात करें, तो फिर ना वहाँ जी ना उसको ना बेड पे गिराते तो उसके ऊपर आ जाते कि ना बैठ के बात ना हम बैठ सकते ना हम बात कर सकते हैं, हम सिर्फ वो कर सकते हैं जो हम यहाँ करने आए हैं, फिर तरह कहते हैं ना वीन के ना नेक पे ना सक करने लग जाते तो फिर ना वीक शो हो जाते कि नहीं मुझे ड्रिंक करनी है, तो फिर ना वांग जी रुकते और उसकी तरफ देखते रुकते कि ना बट तुम तो काफ़ी देर से ड्रिंक करते हो तो तुम अभी भी करनी है, तो फिर ना वींग ये देखे शो होता है तो फिर कहते हैं तुम्हें कैसे पता, तो वींग चक्कर कर वांग जी चक्कर करते और फिर ना उठ जाता है, तो वींग ना वहाँ ना वाइन्स की बॉटल्स पड़ी होती है, तो भैया क्योंकि वो एक VIP रूम होता है तो उसमें हर चीज़ होती है, तो बिना वहाँ जो विंग होता है वो एक बार्टेंडर होता है तो उसको पता होता है ड्रिंक कैसे बनानी, वो ना हैवी हैवी ड्रिंक बना बना के वांग जी को दे रहा होता है, बट वांग जी को उससे कोई नशा नहीं हो रहा था, जिसको देखे जो विंग होता है वो ना डर भी रहा होता है कि कहीं उसकी आज वर्जिनिटी चली ना जाए, तो उसको डर लग रहा होता है, तो जो वांग जी होता है वो ये चीज़ नोटिस करता है, और फिर वो काफ़ी पीने के बाद ही ना अभी तक ज़रा सा भी ड्रंक नहीं हुआ होता, तो ना अब विंग थक जाता है वो खुद भी, तो ना जो वहाँ जाते कहते बस बहुत हो गया ये, क्या कि वो विंग को ना बेड पे गिरा था और फिर ना उसके ना नेक पे किसके नहीं लगते, और फिर ना विंग रोकने की कोशिश करते तो फिर ना वहाँ जी उसके हाथ पकड़ता है और फिर ना उसके गला पकड़ लेता है जोर से, और फिर कहते हैं कि ना तुम खुद ही मेरे पास आए थे तो अब मुझे अगर रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ये वो कहता है, तो फिर ना विंग उसको हटाने लगता है, तो फिर ना वहाँ जी की शर्ट ऊपर होती है जहाँ पर ना उसको घर नजर आता है, जिससे जो विंग होता है वो डर जाता है, और फिर ना वहाँ जी ये देख के स्मृत करते हैं, और फिर जो विंग के साथ फिर वही सब कुछ करते हैं, मतलब उसके पैर ना बॉडी को फुल नेकेड कर देता है, और फिर उसकी बॉडी को देखने लगता है, और अभी भी उसने अपने एक बटन भी नहीं खोला होता, और ना तो फिर ना विंग को ना बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसको ना क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर था वहाँ जी उसके लिए, तो उसको बहुत अजीब लग रहा था, तो फिर ना वहाँ जी जो होता है जगह जगह पर उसके बाइट साफ किस कर रहा होता है, और फिर ना उसकी और ज़्यादा सुन कर रहे थे क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था कि कोई स्ट्रेंजर उसकी इसी तरह वर्जिनिटी ले ले, तो ना वो कहता कि ना नहीं प्लीज़ रुक जाओ, तो फिर ना वहाँ जी कहते कि नहीं तुम्हें मेरे पास आने से पहले सोचना चाहिए था स्लट, वो इस तरह बोलता तो फिर ना विंग की आंखों में आंसू आ जाते, तो फिर कहते हैं ना मैं कोई स्लट नहीं हूँ, तो फिर वहाँ जी कहते वो अच्छा मैं तुम जैसा बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये कह के ना फिर वो ना विंग फ़ौरन ही अपने अपने आप को अनड्रेस करते हैं फुल नेकेड होकर, फिर ना विंग के साथ सेक्स करने जाता है, और विंग को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता, जब भी विंग कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है तो वो जो वांग जी था उसने किस नहीं करता विंग को, वो उसी ना जोर से ना फेस पे उसके मुंह पे हाथ रख देता, और फिर ना इसी तरह वो फिर फुल नाइट गुजारते हैं, और विंग के आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं, एंड में जब उनके 7 राउंड्स हो जाते हैं तो जो विंग है वो बेहोश हो जाता है, तो फिर ना वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और वो एक बिल्कुल मेस बना हुआ होता है, उसके ब्लड भी होता है, तो फिर उसमें ना वांग जी देखते हैं, और फिर ना जाता है उसके साइड पे विंग की साइड पे, और वहाँ जाके ना लेट जाता है दूसरी साइड फेस करके विंग को एक ब्लैंकेट से ढक के, तो वहीं पे सो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है तो फिर वो देखते हैं कि ना विंग जो है वो वहाँ पे नहीं है, और देखते तो उसके क्लोथ्स भी नहीं होते हैं विंग के, तो फिर ना वांग जी देखे ना एक ऐसे चक्कर करते और कहते कि ना अब तुम मेरी लाइफ में खुद आए हो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें तुम्हें ढूंढ के रहूँगा ये कहते हैं, और फिर अपने एक मैन को फ़ोन करता है, और फिर रात को जो और कहते हैं कि ना जो रात को मेरे पास पर्सन आया तो मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अपने मैंशन में चाहिए, तो और मैंशन के बेडरूम में, तो फिर ना वो जो मैन होता है कहता है ठीक है इस तरह कहते हैं, और फिर ना वहाँ कहते हैं तुम बच्चे दिखाओ, तो जो वहाँ अब हम देखते हैं सीन फ्लैश बैक जॉब के मीन था, वो सुबह उसकी आईज ओपन हुई थी और उसको रात को सब कुछ आता है, तो फिर ना वो वांग जी की तरफ देखते हैं, फिर ना वांग जी की ब्यूटी में खो जाते हैं क्योंकि वो एक सोते हैं बिल्कुल एक बेबी लग रहा होता है वांग जी उसका, देख के कहते हैं ना कौन कहेगा कि तुम एक बीस्ट हो, तो फिर कहते हैं और फिर अपनी तरफ देखते हैं उसकी आंखों में आंसू आते हैं, और फिर ना उसको कुछ याद आता है जिससे ना वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसको ये याद आता है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रेगनेंट नहीं हो सकते, और ये बहुत ही ये कॉमन बात भी नहीं है, लेकिन जो विंग है वो स्पेशल मेल है जो कि प्रेग्नेंट हो सकता है, तो उसको ये फिक्र होती है कि ना अब मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊँगा, तो अब हम सीन देखते हैं कि जो विंग होता है वो फ़ौरन अपने कपड़े उठाता है और वहाँ से भाग जाता है, तो और उसके 1 घंटे बाद जो वांग जी होते हैं उसकी आईज ओपन होती हैं, और हमने सारा सीन देखा, और जो विंग होता है वो भागते भागते रोते रोते जा रहा होता है, तो अपने जैसे ही घर पहुँचता है तो फिर वहाँ पर जो मैडम ही होती हैं वो विंग के फेस पे स्लैप करती है, कहते कहाँ थे तुम फुल नाइट, तो फिर ना जैसे ही विंग के फेस पे स्लैप होता है तो उसकी नेक मतलब एक्सपोज होती है थोड़ी सी, तो फिर ना जो जंक्शन होता है वो देख के कहते कि ना मगर ये देखे अगर स्लैट ने अपना काम दिखाई दिया ना यहाँ पे जो ये जियांग फैमिली है वो विंग से प्यार नहीं करती, वो वहाँ से जियांग अंकल फैमिली है
जैसे हमेशा की तरह अंकल फैमिया और सिर्फ जियान ही प्यार करते थे, लेकिन जो यान है उसकी मैरिज हो चुकी है और वो आउट ऑफ कंट्री, और जो अंकल जियान है उनकी डेथ हो चुकी है, और ये दोनों पिंक को बहुत अब्यूज़ करते हैं। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना आखिर फ्लैट ने नाइट किसी के साथ गुजार ले, मगर ये देखें तो भाई क्या कहना, उसकी शर्ट साइड पे करते हैं जिसको देख के मैडम व्यू को बहुत गुस्सा आता है, और उनको विंग को ना कहते हैं ना मेरे ना विप ले गया, विप होता है ना, है ना, हाँ छोड़ो बेल्ट ले गया, तो फिर ना वो लेदर की बेल्ट ले गया, तो फिर वो लेके आते, तो फिर ना वो जो विंग होते कहते नहीं मैडम ये मेरी बात तो सुने, प्लीज़ आप गलत समझिए प्लीज़, कहते वो अच्छा ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं गलत समझिए, ओ रियली, तो मैं अब क्या लगता है कि ना मैं अब तुम्हारी झूठी कहानियों पर यकीन कर लूँगी, ये कहकर ना वो विंग को मारने लगती है, और विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, तो और जो मैडम ये होती है वो इसी तरह विंग को काफ़ी टाइम्स बेल्ट मारती हैं, फिर ना विंग ना, और उसके बाद फिर जब वहाँ से ना उनका थोड़ा गुस्सा ठंडा होता है तो वहाँ से चली जाती है, और जो विंग होते हैं उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, फिर ना वो ना जो विंग होता है वो ना फिर वहाँ से उठता है काफ़ी जैसे तैसे करके, क्योंकि एक तो वैसे रात की वांझी की वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, और फिर आगे से मैडम ये तो उसको ना आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, और जैसे तैसे करके अपने रूम में जाते हैं, और फिर ना वहाँ लेटते हैं, और फिर ना जैसे लेटते तो बैक के पास तो उसको ना बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, तो फिर वो सीधा लेटते तो उसको तब भी अपनी बॉडी में फुल पेन हो रहा होता है, तो फिर कहते क्यों क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, तो कहना रो रहा होता है, तो फिर कुछ टाइम बाद ना उसको अजीब सी साउंड्स आती है, तो फिर वो नीचे आके देखते हैं कि ना वहाँ बहुत सारे ना ब्लैक सूट्स में ना गार्ड्स हैं, मतलब कुछ आदमी है पड़े, और वहाँ पे ना चेयर पे एक ना मास्क मैन बैठा हुआ है, तो उसने मास्क लगाया, और वो ना उसके आइस ना वहाँ जी जैसी लग रही थी विंग्स होते कि नहीं इसकी, तो रात वाले पर्सन से आइस मिल रहे हैं, तो फिर ना जो वहाँ चेयर है वो जैसे उसको ना विंग के प्रेजेंस फील होती है, उसको फील होता है कि कोई आया, तो फिर ना वो चढ़ के दिखते हैं विंग को, देखना वो मास्क के अंदर एक स्मैक करते हैं, और फिर कहते हैं तो मुझे मिल गए, तो फिर ना जो विंग होता है वो ना ऐसे अजीब तरीके से चला होता है, तो फिर ना वहाँ ये देख के कहते हैं ना ये रात की वजह से है, लेकिन रात की वजह से किसी और तरीके से चलना चाहिए, मतलब कि ना उसको फील हो जाता है कि कुछ और भी हुआ है, तो ना वो मैडम यू की तरफ देखते हैं, और फिर ना कहते कि ना अब आपको डील समझ आ गई, तो फिर ना जो मैडम यू कहते हाँ मुझे कोई मसला नहीं, तो फिर ना वैसे कहते कि ना वहाँ कहते हैं ओह रोल है, फिर कहते कि नहीं ये आपका बेटा नहीं, कहते कि ना ये स्लैट मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, और वैसे भी अब ये किसी के साथ अपनी नाइट स्पेंड कर चुका है, मैं आपको पहले बता दूँ, तो इस जैसे स्लट के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैडम इसकी ये बातें सुनी है जो वांग जी, तो उसको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं, और मैडम यू की इस तरह की बातें सुन के जो ना विंग के आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू रहते हैं, उन्होंने उसकी ना बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू करने लगते हैं, वो सर नीचे लेते हैं, तो फिर अब हम देखते हैं फ्लैश बैक कि वांग जी ने ऐसा क्या कहा, वो यहाँ आता है, अब हम सी देखते हैं कि जो वांग जी आता है वो यहाँ आता है, और फिर ना डोर पे ना उसके गार्ड्स लॉक करते हैं, और फिर ना जो मैडम ये होती है वो डोर अनलॉक करती है, और फिर ना वांग जी को मास्क में देखती है इस तरह, तो फिर वो पहचान जाती है क्योंकि मास्क में सबने देखा होता है, मास्क के बगैर किसी ने नहीं देखा होता, तो फिर वो पहचान जाती है, और फिर कहते हैं कि आप यहाँ, और फिर कहते हैं अंदर आए अंदर, इस तरह ना फिर वो अंदर आते हैं, तो फिर वो जैसे ही अंदर आते हैं तो फिर वांग जी ना पूरे घर की तरफ देखते हैं, कहते आपका आपका सन का कहते कि ना आपको जंक्शन से क्या काम है, तो फिर जंक्शन तो फिर ना वहाँ जी को सारी फाइल्स मिल चुके थे, मतलब कि जो मैडम यू ने विंग के साथ किए सारे पास्ट के बारे में ना विंग को पता होता है, विंग के सारे पास्ट के बारे में वांग जी को पता होता है, और हमें बाद में पता चलेगा विंग के बारे में, तो जो वो कहते हैं ना वो शान कहते वो अच्छा वो अपने रूम में है, कहते ठीक है, जो मैडम ये होती है कहते कि ना हाँ आपको उससे क्या काम है, वो अपने रूम में, तो फिर ना वांग जी कहते मुझे आपका वो बेटा चाहिए, तो फिर जो मैडम ये होती है कहते क्यों, कहते कि ना मैं जानता हूँ आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही है, तो फिर उसके बदले मैं आपको मनी दूंगा, बस आप मुझे अपना वो बेटा दे दें, तो फिर ना जो मैडम ये होती है वो कहती है ठीक है, तो फिर ना कहते इतनी जल्दी कहते हाँ मुझे वैसे वो नहीं चाहिए, वो एक सिर्फ और सिर्फ बर्डन है, तो फिर कहते ठीक है, उस टाइम पे फिर जो विंग आता है वो नीचे आता है, फिर ना वो सारी बात होती है तो आपको डील कम बोले, तो फिर वो कहते हाँ और सारी बातें बोलते, तो फिर ना और अब हम देखते हैं कि जो विंग का फ्लैशबैक है, क्योंकि अब विंग सब अब उसी के बारे में सोच रहे अपनी लाइफ के बारे में, कि जो विंग था जब वो 3 ईयर्स का था तो उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और वहीं से जो मैडम यू इनकी पूरी फैमिली गुजर थी जंक्शन यानी तक बहुत छोटे थे, तो जो अंकल फैमिली थे उन्होंने ना कार क्रैश होती देखी थी, तो फिर ना वहाँ जाके ना उनकी हेल्प करने की कोशिश की थी, तो वहाँ देखा था विंग के पेरेंट्स को, तो फिर वो ना उसको पता चल जाते कि ना ये विंग है, तो वो ना फ्रेंड होते हैं ये अंकल फैमिली आके, तो वो इस तरह दिखते बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं बच पाते, सिर्फ विंग बच पाता है, तो वो विंग का ख्याल रखते हैं, उसको अडोप्ट करते हैं, उनका फुल ख्याल रखते हैं, लेकिन जब विंग होता है 18 साल का
16 साल का, ये अब वीन जो है 18 साल का, तो जब वो 16 साल का होता है तो अंकल फेमिया की डेथ हो गई थी, और फिर जो और जब वो 17 साल का होता है तो उसकी शिजी यानी की भी मैरिड मैरिज हो गई थी। पहले भी तो पहले ये जो अंकल फेमिया होते थे तब भी ये जो मैडम ये थी वो अब्यूज़ करती थी, लेकिन ना फिर भी कम करती थी, लेकिन जब से उनकी डेथ हो गई और उसके बाद फिर यानली प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन उसके बाद जब यानली भी चली गई तो फिर वो इनको किसी चीज़ के लिए नहीं छोड़ते थे, तो उसको बहुत ज़्यादा ही वेट करते थे, फालतू में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। और फिर अब हमें पता, और फिर उसी से जॉब करवाते थे, और वो अपने जो उससे जो करवाते थे उसको खुद पैसे नहीं देते थे, और वो उसको अपने काम के लिए खुद ही पैसे लेने पड़ते थे, उसको अगर कोई चीज़ लेनी होती तो वो खुद ही पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने लिए वो चीज़ लेता। और वांग जी ये सारे इसके बारे में जानता होता क्योंकि उसको उसके मैंस ने दे दी थी ये सारी इन्फॉर्मेशन। होता है वो बीन को ले जाता है, फिर वहाँ से लेके जाता है, और ना वो अपने मेंशन ले आता है वीन को, ना उसको ना हाथ पकड़ा हुआ होता है, और वीन पूरे रास्ते सिर्फ उसकी आंखों से आंसू निकलते, लेकिन वो कहता कुछ नहीं, और वांग जी उसकी तरफ देखते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलता। तो उसको वो रूम में लेके आते हैं, और फिर ना वीन को रूम में फेंक देते हैं, फिर अपने क्लोज उतारने लग जाते हैं। तो फिर ये देखे ना जो वींग होता है वो डर रहा होता है, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। तो फिर ना वांग जी उसकी तरफ देखते, तो फिर ना तब उस टाइम पे ना वो पहले अपने ना शर्ट के जो कफ होते हैं मतलब कि हैंड कफ्स कफ बटन खोलते हैं, और उसके बाद फिर ना अपनी थोड़े ऊपर के बटन खोलते हैं, और फिर जो अपनी बेल्ट होती है वो निकालते हैं। तो फिर नवीन बेल्ट दिखते तो डर जाते, कहते नहीं नहीं मुझे प्लीज़ बेल्ट से ना मारो, प्लीज़ ना मारो, मुझे सुबह भी मैडम यू ने मारा था, पहले मुझे बहुत पेन हो रहा, मैं और नहीं झेल सकता, मैं मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ थी, वो क्या ना रोने लगते थे। ना वांग जी सुन के शौक होता है, मतलब उसको ये पता था वो टॉर्चर करते, लेकिन इस तरह का टॉर्चर करते इतना वांग जी को नहीं पता चला था। विंग होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और फिर ना बैक करने लग जाते, तो फिर ना वांगी को ना थोड़ा तरसा जाता है, और फिर ना वो वैसे भी उतार नहीं रहा था वो, क्योंकि सुबह से अपने पैंट शर्ट में था तो उसको ना अनईजी फील हो रहा था, तो वो सिर्फ फ्रेश होने जा रहा था, वो विंग को कुछ नहीं कह रहा था। तो ना वो कहते हैं हे इजी हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तो फिर ना विंग कहता बट तुम अपने शर्ट बटन्स भी खोल रहे थे और अपने बेल्ट भी उतार रहे थे। फिर ना वांग जी कहते कि ना मैं शावर लेने जा रहा था। तो फिर विंग थोड़ा ना उसको थोड़ा एम्बेस्ड फील हो रहा है, तो फिर ना वांग जी कहते हैं एम्बेस्ड फील करने की जरूरत नहीं है, उसके पास आता है, और फिर कहते हैं ना नाइट के लिए बस रेडी रहना, ये कहिए वो वहाँ से चले जाते। तो फिर ना विंग शॉक होता है और उसके आँखों से आँसू निकलते हैं, और फिर ना और फिर ऐसे टाइम स्किप होता है नाइट का, और जब वांग जी होता है वो फिर से बहुत उसके साथ करा होता है, इस दफ़ा बहुत रफली करा होता है, वो विंग पे काफ़ी ट्रिक्स भी ट्राई करता है, क्योंकि उसने विंग को ब्लाइंड फोल्ड किया होता है, उसकी हैंड्स पे ना हैंड कफ डाले होते हैं, और जो उसकी लेग्स होती हैं उनको ना और ही तरीके में रखा होता है, मतलब उसको ना फुल उल्टा रखा होता है और नए तरीके से फैक्ट करा होता है, जिससे जो विंग होता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो वो ना पहले तो उसके आँख से आँसू निकल रहे थे, तो वो ना आवाज़ नहीं निकाल रहा था, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही वांग जी उस पर रफ हो गए थे, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग गया था। जो वांग जी थे जब वो विंग के रोने की आवाज़ें इस तरह देखते कि ना वांग विंग बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, तो फिर वांग जी रुक जाते और बेटा उस टाइम पे ना विंग की फुल बॉडी बस बहुत ही इसकी हो गई थी, बस हो गई थी, तो उसको वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाते थे। फिर वांग जी को देखिए अच्छा नहीं लगता विंग को इस तरह, तो वो ना जाता है फ्रेश हो जाता है, फिर ना एक टॉवल लेके आता है, उसे ना विंग को क्लीन करता है, और फिर ना उसको हक करके सो जाता है, क्योंकि उसको ना उसकी सेंट बहुत अच्छी लग रही थी, उसको हक करके उसको बहुत वार्म फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, तो उसको हक करके ही सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उसकी आँख खुलती है वहाँ की, तो देखते हैं कि ना विंग अभी भी सोया हुआ है, तो मैं वो विंग के फेस की तरफ देखते हैं, और विंग का फेस बहुत ही इनोसेंट लग रहा होता है, वैसा हमारा विंग खाता है इनोसेंट ही, तो उसको देखते हैं तो फिर ना उसकी ना फेस पे स्माइल आ जाती है, और उसी टाइम पे वो शॉक हो जाते हैं ना, क्योंकि उसके फेस पे स्माइल काफ़ी टाइम से नहीं हो रही जब से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, और वांग जी के मतलब कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई भी नहीं है। वो एक पार्टी में जा रहे थे जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ वांग जी बचा था, जो वो 15 ईयर्स का था, तभी उनके तभी उसकी फुल फैमिली की डेथ हो गई थी। तो वांग जी की अब फैमिली को कोई नहीं था, और अब उसकी एज 25 थी, तो वो यही सब कुछ सोच रहा था। फिर वांग जी की ना विंग दिखा देता है, और उस टाइम पे ना जो विंग था वो भी अपनी आँखें खोल लेता है, और फिर ना वांग जी की तरफ देखने लगता है, और वांग जी से ना फिर डरने लग जाता है। तो फिर वांग जी कहते मुझे डर के डरने की जरूरत नहीं, तो बट मुझे तुमसे डर लग रहा है, तुम फिर मेरे साथ वो सब कुछ करोगे। तो फिर ना वांग जी कहते नहीं तुम जाके रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, तो फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है बड़ा ऑफिस। तो फिर ना विंग उसकी तरफ देखते हैं, तो फिर कुछ कहता नहीं, फिर ना वो चला जा वांग जी वहाँ से उठ के चले जाता, तो फिर विंग उसकी तरफ ही देख रहा था। और फिर ना अब हम सीन देखते हैं कि वांग जी जो कि अपने ऑफिस में है, उसका कॉन्सेंट्रेट फुल विंग के ऊपर है, मतलब उसको विंग के अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहा।
वही सोचा विंग की स्माइल, विंग का जो रात को जितना रो रहा था और विंग जैसे सुपर लग रहा था, कितना उसका इनोसेंट फेस था, मतलब सब विंग के बारे में उसको याद आ रहा होता है। तो उस टाइम फिर एक खाडा था, उसको ना एक न्यूज़ देते कि उसके कुछ मैंस ने ना उसको धोखा दिया, बला बला बला, मतलब कि ना कुछ मैंस ने धोखा दिया और ना जिससे ना विंग का वहाँ जी थोड़ा नुकसान है, जैसे वो गुस्से में होता है तो वो ना उस गार्ड को ना सजा देने वाला था। तो फिर कहते कि ना गार्ड का कहते कि ना वो सर आपके मेंशन में है। कहते क्या मतलब मेरे मेंशन में? कहते उसकी जो ड्यूटी है वो आपके मेंशन में, वो आपके मेंशन में से आपकी फाइल्स की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, जो कि ऑफिस की मेन फाइल्स है। तो फिर वहाँ जी वो गुस्सा था, और फिर ना वो ना अपनी कार की लेते और फिर घर आते, और फिर ना उसको ना वो जो मैनेजर है वो बता देते कि ना ये पर्सन है। तो फिर ना उनको बुलाता, और फिर जैसे वो आते हैं तो फिर ना उनको ना शूट करते हैं। तो वो 5 पर्सन होते हैं, बहुत बुरे तरीके से शूट करते हैं, और मतलब कि ना जिससे ना उनके थोड़े बॉडी पार्ट्स भी नजर आ गए, वो काफ़ी ज़्यादा खून वहाँ हो गया था, जो ना देखे ना जो वहाँ जी तो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था मैं की तरफ। तो फिर कहते कि ना जो मुझे धोखा देगा या मेरी बात नहीं मानेगा उसके साथ ऐसे ही होगा, ये कहता है। और फिर ना निकल अपने वापस उसमें रखते हैं पॉकेट में, और फिर ना सामने देखते जो विंग होता है वो फुल शॉक में खड़ा होता है और उन मैं की तरफ देख रहा होता है, और उसके फेस से पता चल जाता है जो विंग है ना वो काफ़ी डरा हुआ है। तो फिर ना वहाँ जी कहते हैं जी, तो फिर ना वो जो विंग होता है वो ना वहाँ जी के पास होकर ना डर जाता है और ना नीचे गिर जाते, कहते नहीं प्लीज़ मुझे ना मारो, मैं तुम्हारी सारी बात बोलूँगा, बस मुझे ना मारो, मुझे छोड़ दो, इस तरह के ना रोने लगता। तो फिर ना वही भाग के जो वहाँ जी होता है वो उसके पास भाग के जाता है, कहते नहीं तो मैं नहीं मारूंगा, कहते बट मैं तुम्हारी कई दफ़ा मैंने भी तुम्हारी 2 दिन हो गए मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा कुछ, तो तुम भी मुझे मान लो, नहीं मुझे नहीं मानना। तो फिर ना कुछ टाइम बच वो बेहोशी हो जाता है। तो फिर ना वहाँ जी उसको उठाते हैं और कहते हैं डॉक्टर को कॉल करो, और फिर कुछ टाइम बाद डॉक्टर आते हैं और फिर उसको चेक करते हैं विंग को। तो कहते हैं कि ना ये ठीक है, बस इनको थोड़ा रेस्ट रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर ना वहाँ जी जो होता है अपना सर हाँ मिलाता है, फिर जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, और फिर ना वहाँ जी जो है वो विंग के फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम इतना डरते कि वो सबसे उस तरह सोचता है। और अब हम सीन देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पे अपने को होश आ चुका है और ना वो वांगजी तरफ थी, तो वांगजी की ना रात वाली मेमोरीज उसको याद आती है और वो डर जाता है। तो ना वांगजी ना उसके ऊपर आ जाता है और उसके ना फेस पे उसकी आईज और ना उसके फोरहेड पे किस करते हैं, और फिर कहते हैं तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते, कहते हैं बट तुम्हारे पास गन है। तो फिर ना जो मांग जाता है वो चक्कर करता है, फिर कहते हैं ना तो तुम क्या समझते हो कि एक माफिया किंग के पास अब गन नहीं होगी? तो फिर माफिया किंग तो माफिया किंग हो, तो फिर ना मांग जी कहते हैं हाँ मैं हूँ। तो फिर ना वो कहते हैं ना तुम मुझे मार दोगे? तो फिर ना मांग जी कहते हैं ना मैं अपने लव्ड वंस को नहीं मारूंगा। तो ये सुनते हुए शौक हो जाता है, और फिर ना मांग जी तरफ से नहीं रखते, कहते हाँ तुमसे मुझे अटैचमेंट फील हुई है और मैं इसको आगे भी फील करना चाहता हूँ, अगर तो ये लव है तो मैं तुम्हें अपना बना के आऊँगा, फिजिकली तो बना चुका हूँ और मेंटली और हार्ट भी बनाऊँगा, लेकिन अगर ये लव नहीं है तो मैं फुल राइट दूंगा कि जो भी तुम करना चाहते हो तो मैं करने दूंगा, अगर तुम किसी और से मैरिज करना चाहते हो तो करने दूंगा, जो भी तुम बनना चाहते हो, जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसको फुलफिल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन अगर तुम मुझे तुमसे प्यार है तो तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, मैं तुमसे मैरिज करूँगा। तो फिर ना ये बोलते हैं, और फिर ना उसको कुछ याद आता है, और फिर वहाँ जी को कहते हैं तुम मुझसे मैरिज करोगे? तो फिर हमारे बेबीज को अगर हमारा कोई आगे चाइल्ड हुआ तो फिर उसको एक्सेप्ट करो, कहते क्या मतलब तुम तो एक लड़की हो ना, तुम कैसे प्रेगनेंट हो सकते हो? तो फिर ना जो विंग होता है ना सैडली सेल करते हैं, कहते हैं कि ना मैं प्रेगनेंट हो सकता हूँ। तो फिर जो वहाँ जाता है वो शौक हो जाता है, फिर ना विंग की तरफ देखते जाते हैं, और फिर ना विंग जाता है इसलिए जो मेरी मैडम ही हूँ, मेरी एडोप्टिव मदर यानी मैडम ही हूँ, और जंक्शन मुझसे नफरत करते हैं, मुझे डिस्कस्ट बोलते हैं, डिस्कस्टिंग बोलते हैं, इस वजह से वो मुझे डिस्कस्ट फील करते हैं और इतना मुझे कुछ बोलते हैं। तो फिर ना वो इतना बोलते हैं, फिर ना कहते फिर ना मैं शायद एक कष्ट हूँ, तो फिर उस तरह बोलते हैं, फिर ना उसके आंखों में आंसू देते हैं। तो वहाँ जी उसको फर्स्ट टाइम किस करते हैं, वो बहुत ही लवली किस करते हैं, जिससे ना विंग का अच्छा फील होता है। तो वो जो विंग होता है वो भी किस बैक करने जाते हैं, वहाँ जी को अच्छा लगता है, तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर ना वहाँ जी कहते हैं ना अगर तुम प्रेगनेंट हो गए तो मैं तुम्हारी फुल केयर लूँगा और उस बच्चे को भी एक्सेप्ट करूँगा, तो मैं इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं चाहे जितना ही क्रूल और रूटलेस हो लेकिन मैं इनोसेंट की जान कभी नहीं लेता, अगर तो ये मेरा बच्चा है। तो फिर ना वहाँ विंग उसी तरफ गुस्से से देखते कहते हैं
सिर्फ एक बात समझाने के लिए कह रहे हैं, मतलब कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाते हो और ये मेरा बच्चा है तो मैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि तुम्हें अपनी लीगली वाइफ बनाऊंगा ऑफिशियली और लीगली, और तुम होगे इस वर्ल्ड की क्वीन मैं किंग, और तुम मेरे हार्ट की और मेरे इस वर्ल्ड की क्वीन हो। तो फिर वो इस तरह क्वीन को कहते हैं, तो फिर ना क्वीन को ना अच्छा लगता है, और इस तरह फिर हमारा टाइम स्किप होता है। और अब हमारा टाइम स्किप होता है 20 ईयर्स बाद का, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो विंग है, मतलब कि वो वांग जी के साथ मैरिड हो चुका था, क्योंकि उसको भी अपने वांग जी के लिए उसकी फीलिंग्स डेवलप हो गई थी, और वांग जी को भी यकीन हो गया था कि वो विंग से प्यार ही करता है, और उन्होंने एक ट्विन बेबीज हुए थे उनके, एक गर्ल थी और एक बॉय था, और वो दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल थे, और दोनों विंग्स थे, और जो वांग जी था वो विंग और उन अपने बेबीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और आज जो होते हैं उसके ट्विन बेबीज़ की मैरिज थी, तो जो वहाँ उसकी बेटी थी फिर वो बहुत ही ब्यूटीफुली तैयार हुई होती है, और फिर उसको देख के ना उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं वांग जी, तो फिर ना विंग कहते हैं ना वाह, जो वांग जी विंग होता है वो कहते हैं वाह, अरे तुम ही देखे ना, तुम कहते ठीक है ना इसकी मैरिज करो, इसकी मैरिज करो, इसका फ्यूचर अच्छा होगा, इसका ब्राइट फ्यूचर के लिए इसकी जल्दी से मैरिज कर दो, मैरिज कर दो, मैरिज कर दो, कहते थे और आज इसकी मैरिज हो रही है तो तुम रो रहे हो, फिर ना विंग वांग जी कहते ना मैं इसके अच्छे के लिए कहता था, लेकिन आज ये मुझसे दूर जा रही है तो मुझे रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये कह के ना वो ना अपनी सिस्टर कह रही सॉरी अपनी डॉटर को हाथ कर लेता, और फिर ना अब गाइस मैंने नाम नहीं सोचे तो आप बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो इसी तरह फिर उनकी दोनों की उनके सन और डॉटर की मैरिज हो जाती है, और यहाँ पे हमारी हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। होप आपको ये अच्छा लगा हो, तो टाटा स्टे सेफ, बाय बाय।